हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज सोफिया फातिमा। आप सब जानते ही हैं कि हम एक एमएम बेस्ट स्टूडेंट हैं और ये है मेरा हॉस्टल का रूम। सो हम अपने हॉस्टल के रूम में और आप सब सोच रहे होंगे अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमको पता है बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जैसे कि सबको लगती है, हम थोड़े ज़्यादा फूडी भी हैं। एंड बात यह है कि आज का मेरा मेस ऑफ है और भैया बोले हैं कि आज खाना नहीं देंगे रात का, और हमको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। सो हमको क्या करना चाहिए, तो हम डिसाइड किए कि आज हम कुछ कुक करेंगे अपने हॉस्टल में ही इंडक्शन पे, और सोचे कि अगर कुछ कुक कर ही रहे हैं तो वीडियो बनाकर डाल देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिकल व्लॉग्स कॉलेज में क्या होता है उसके व्लॉग्स डालें, तो ये भी उसका एक पार्ट ही है क्योंकि बहुत से लोग कुक करते हैं हॉस्टल में। तो आज देखते हैं कि क्या बनाने वाले हैं हम। एंड एक और बात कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो कल ही मैंने रेडियो मिर्ची पर आरजी अंजी से डिलीवरी बाइकर्स ऐप के बारे में सुना था। ये ऐप पटना में अवेलेबल है एंड यहाँ से आप फ्रेश चिकन मटन या फिश कभी भी मंगा सकते हैं। एंड ये बाकी ऐप्स के कंपेरिजन में बहुत सही है क्योंकि ये फ्रोजन नहीं रहता है, फ्रेश रहता है। एंड आप देख सकते हैं कि हम ऐसे ये ऐप खोले हैं तो यहाँ पर आया है चूज योर आइटम, फिश मटन या एग्स भी है और चिकन भी है। तो हमको तो चिकन चाहिए तो हम चिकन पर ही क्लिक करेंगे। इसीलिए हमको आज चिकन चिली बनाना है, हम सोचे चिकन चिली बनाने का, इसलिए उसी हिसाब से हम सोचे हैं बोनलेस चिकन लेने का एटलीस्ट 1 kg तक। तो हाँ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे 1 kg ज़्यादा है, बट हाँ हमको ढेर सारा बनाना है तो कुछ बचा भी लेंगे बाद में बनाने के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना अच्छे से 360 प्राइस है जैसा रहता है जनरली। आप जाकर बनवाएंगे उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड प्राइसिंग भी वही रहेगी, तो क्या ही दिक्कत है। अब चेकआउट करते हैं। हाँ सॉरी, पहले डिलीवरी लोकेशन डालेंगे उसके बाद चेकआउट करना है। अरे मेरी फ्रेंड खुद कृति रहती थी तो उसके बताते रहते भैया लोग आए हुए हैं, मतलब सीनियर। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है और उसके बाद फिर सेव कर लेना है उसको एंड फाइनली चेकआउट करना है। और आ गई है हमारी डिलीवरी फ्रॉम डिलीवरी बाइकर्स, जिसमें 1 kg चिकन आ चुका है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। सो, अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं एंड हाँ अब खोल के देखते हैं कि कैसा है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि 100% फ्रेश मीट स्पेशली करेंटली इन पटना। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से कि क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। अब हम लोग ओपन करके देखेंगे कि कैसा पैकेजिंग है, एंड दिखने से तो बहुत ही सही लग रहा है एंड ओपन करके देखना है। डिलीवरी बाइकर्स ऐप ने पैंडमिक में भी सबकी बहुत हेल्प की थी, बहुत लोगों को नॉनवेज मंगाने में दिक्कत होता था। आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल भी फ्रोजन नहीं लग रहा है। फिलहाल तो हम करेंगे अभी चिकन को मैरिनेट, क्योंकि मैरिनेट करने के बाद और एक मैरिनेट करके 1-2 घंटा छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और आप लोग सोच रहे हो कि हम बनाने क्या वाले हैं चिकन का, जो हमें तो बताया नहीं है। सो हम चिकन का बनाने वाले हैं चिकन चिल्ली। तो चिकन चिल्ली बनाने के लिए तो सबसे पहले चिकन को धो लिए 500 ग्राम, और उसमें एक अंडा डाल रहे हैं। होता है खुद से करना पड़ता है हॉस्टल में। दो बड़ा चम्मच डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हॉस्टल में ताकि समय कम बचे पेस्ट बनाने, मिक्सर है नहीं तो मिक्सर में पेस्ट बनाने की जगह हम अभी पाउच खरीद के लिए आए हैं लॉन्स का। ऐसे मतलब जनरली खुशी से बनाना सही रहता है, बट है नहीं यहाँ पे, तो पाउच से सारा का सारा निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी निकलेगा। हाँ निकल गया, ऑलमोस्ट सब निकल गए हैं। 2 चम्मच अराउंड है ये। अब हम लोग को उसके बाद डालना है कॉर्न फ्लावर। तो कॉर्न फ्लावर इसके लिए आई गेस ठीक है, कर रहे हैं। कॉर्न फ्लावर के लिए चम्मच है, ठीक है, ज़्यादा गिर गया। 2 चम्मच कॉर्न फ्लावर डाल रहे हैं, अपने हिसाब से जिसको जितना डालना डाल ले। अपने बाप पूरा गिर गया। उसके बाद अब ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, जिसको कि गोल्की पाउडर भी कहते हैं। तो
ये भी एक चम्मच ही डालना है। डाल दिए। लास्ट में दो चीज बच गया जो कि है नमक, और नमक भी थोड़ा सा ही डालना है, और साथ में आपका सोया सॉस, सोया सॉस भी थोड़ा सा ही डालेंगे। पूरा का पूरा कचड़ा करते हैं और अब इसको मिक्स करो। ट्राइपॉड में अटैच था इसलिए अभी जाके मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरा सर ही कट गया था वीडियो में, कोई बात नहीं। तो ये है चिकन जो कि मैरिनेट हो, मतलब मैरिनेशन के लिए अब जाएगा, इसमें सारी चीज़ हो गया है। तो इसको अब हम लोग इसमें ढक दिए हैं, मतलब कोई भी एक उससे ढक दिए प्लेट से, और अब इसको हम लोग फ्रिज खोल के फ्रिज में डालते हैं। फ्रिज में जगह रहता नहीं है, जगह बनाना पड़ता है, और हम ये एरिया चुने हैं। बाप रे बाप, चला जाओ भाई। हाँ तो आपको कम से कम इसको एक या दो घंटे तक रखना है अगर आप चाहते हैं अच्छे से हो, फिर इसी इंडक्शन पर कुक करेंगे हम लोग। प्रेस देखते हैं कैसा बनता है। सो चिकन को हम निकाल लिए थे और अब इसको फ्राई कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और फ्राई होने के बाद ये बहुत ज़्यादा यमी दिख रहा है, देखिए देखिए। इसको पलट देना है थोड़ी देर फ्राई करके, उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसका ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना निकल भी चुका है तो बहुत बढ़ाना है। रेडी हो गए, अब उसकी ग्रेवी बनानी है, तो चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो अब बनेगी इसमें ग्रेवी चिकन की, चिकन चिल्ली बाद में फिर पूरा होगा। और ग्रेवी की तैयारी कर रही है मेरी रूममेट अंजलि। तो अंजलि क्या क्या तुम कट कर लिया अभी? मैम ये प्याज है, शिमला मिर्च है, ये लहसुन अदरक और ये मिर्च का। ठीक है, तो जल्दी से कट काटो तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली चिकन चिल्ली का ग्रेवी बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना इंडक्शन ऑन कर दे रहे हैं, और जो आप लोग तेल डाले थे, मतलब जो पहले हम लोग तेल डाले थे चिकन फ्राई उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें से थोड़ा कम करके दो चम्मच के अप्रॉक्स तेल अभी डाल दिए हैं। अब इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसमें ये जो लहसुन अदरक और मिर्ची काटे हैं वो डालेंगे। सो हम अपना लहसुन अदरक डाल दिए थे, वो दो मिनट तक थोड़ा सा फ्राई हो गया था, तो अब हम कैप्सिकम और प्याज भी डाल दिए हैं। अब एकदम अम्मी जैसा अच्छा बनाती है तो नहीं बना पाएंगे, बट हॉस्टल में जितना हो सके हमारे रूममेट बन के ट्राई कर रहे हैं बनाने का। भारत में से नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोग का पूरा फोकस अभी इसी पे कुकिंग पे है। अंजलि, अंजलि थोड़ा सा हेल्प कर रही है। इसमें क्या क्या डाल दिया एक्स्ट्रा हम लोग बताओ? इसमें हम लोग डाले हैं टोमेटो केचप, हाँ, ये रेड चिली केचप, हाँ, और ये सोया सॉस ये डाल के। ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पानी में डालकर इसमें डाल दिए थे, और साथ ही में थोड़ा नमक भी डाल दिए थे। इसके अलावा भी थोड़ी सी पानी अगर आपको डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। फिर फाइनली हम लोग को ये जो फ्राइड चिकन है टेस्टी से वो डालना है। हमको तो खड़े खड़े हम लोग दो तीन पीस ऐसे ही खा गए हैं ना, और अब हम लोग फाइनली चिकन डाल देंगे। हमको तो ये कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है, थोड़ा सा पकने देते हैं फिर डाल देंगे। तो फाइनली हमने फ्राइड चिकन भी इसमें डाल दिया है और अब हम लोग थोड़ा सा इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के बाद, और करते हैं वेट ढको जी। सो आप देख सकते हैं कि चिकन चिली रेडी है, और ये कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट में ही बताइएगा, और इसका टेस्ट कैसा है वो तो अभी हम और अंजलि टेस्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम सब ने टेस्ट की थी चिकन चिली, एंड हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी सबको। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, एक ना एक बार तो डिलीवरी बाइकर्स से आप लोग भी पटना में अगर रहते हैं तो चिकन या मटन या फिश मंगाकर ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।